सालों में तुम्हें बता नहीं सकता कितने सालों के बाद तुम्हें सही सलामत देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और अमृत कहाँ है? सरोज भाभी जी नमस्ते। भाभी आप रो क्यों रही हैं? भानु अमृत कहाँ है? वो क्या है ना जी, अमृत हम सबको छोड़कर कहीं भाग गई है। ओहो, अरे ये क्या हो रहा है आज? ये क्यों रोक रहा है मुझे? अभी कर देती हूँ मैं। भानु? हाँ, वो तुम्हारा इंतजार करते करते थक चुकी थी, फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ वो हम सबको बिना बताए हम सबको छोड़ के चली गई। हमें किसी भी हाल में रणधीर और अमृत को नहीं मिलने देना है। अमृत के लिए ना राजकुमार वीर ही सही है। मेरी बात मान लीजिए आप, आपकी छोटी बहन के भविष्य का सवाल है, आपके बाऊजी को भी आप पे गर्व होगा। मैं भी आती हूँ जी। हमें तो पहले समझ में ही नहीं आया, यहाँ तक कि मैंने अपने अमृतसर वाले भाई साहब को पहले से ही बोल रखा था कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि आपको यहाँ का पता भी ना दे। पर क्या है ना जी, झूठी उम्मीद से कड़वा सच कहीं ज्यादा अच्छा होता है। वो क्या है ना, हमें अभी बाहर जाना है, वो किरण बाला है ना उसका रिश्ता तय हो गया, तो आप ना कल आइए, उसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। पता नहीं, बहुत बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे हजारों ख्याल आते हैं मन में, शादी हो रही है ना तेरी, और ऐसे वक्त पे बहुत सारे लोगों की नजर भी लग जाती है, इसीलिए तो तुझे दान पुण्य करने भेज रहे। तू जा। हाँ, मैं दान का सामान अंदर भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। कीजिएगा पापा, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन अगर हम आपको सब कुछ सच सच बता देते तो आपसे यह भी कहना पड़ता कि मां से कुछ मत कहिए, और आपको हमारी यह बात माननी पड़ती। और हम नहीं चाहते पापा कि आप मां और हमारे बीच में बटे रहें। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम जो भी करोगे सही करोगे। मैं बस तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं, वो मैं जरूर दूंगा। हमें बताइए, मां ने तो आपसे जरूर कहा होगा उस लड़की के बारे में पता लगाओ। हाँ, लेकिन की बात तो माननी पड़ेगी ना हमें।
तो आप हमसे कुछ पूछना चाहेंगे पापा? नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा जो तुम नहीं देना चाहते। बाप हूं मैं तुम्हारा, पर आप पता लगाने की कोशिश जरूर करेंगे ना? हाँ, पति हूं मैं उनका। अब बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि आज कुछ अधूरा ना रह जाए। खुश रहे मेरे बच्चे। कुछ ही घंटों की बात है मां, फिर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इस घर में आपकी बहू बनकर आएगी, जो हमें अपना समझेगी, हमसे प्यार करेगी, हमारी फिक्र करेगी, जो हमें निकम्मा, लूजर, अधूरा नहीं समझेगी। क्या हुआ अमृत? पता नहीं वीर जी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। कोई इशारा जो मैं नहीं समझ पा रही हूं। अमृत, ये सब तेरे मन का वहम है। पंडित जी, मेरी बहन को आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि रणधीर मेरे आसपास ही है? वीर निकलेगा तो इधर से ही, हमें उसका पीछा करना है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो लड़की है कौन। बहुत समय हो गया, अब तक तो उसे नीचे आ जाना चाहिए था ना। वीर, वीर, अब लगता है पीछे के रास्ते से भाग गया होगा हमें बेवकूफ बना के। हम भी उसकी माँ हैं, पता लगा कर ही रहेंगे। बजाओ ढोल, शादी हमारी। रानी साहिबा, वीर बाबा की गाड़ी को पुराने बाजार में देखा गया है। उसे लगता है वो बहुत तेज है, पर अगर ऐसा होता तो आज के दिन गाड़ी में नहीं जाता। राजघराने की गाड़ी को हर कोई पहचानता है,
उस तक पहुंचने का रास्ता खुद ही आसान कर दिया है उसने। जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंचो और उसे हमारे सामने ले आओ। जी रानी साहिबा। ये शादी हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। चलिए सुन तुझे। अमृत, अमृत, चलो 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 चलो। सुंदर है ना, अच्छी लगेगी कि नहीं उसकी उंगली पे? काफी अच्छी है। और वैसे भी प्यार से दी हुई चीज की तो बातें कुछ अलग होती है। खुश नसीब होगी वो जो इसे पहनेगी। मैं यहाँ आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे ये शादी नहीं कर सकती। उस सबका पता नहीं मुझे। इसे अंगूठी नहीं जंजीर समझो, जिससे हम उसे बांध लेंगे और फिर वो कहीं नहीं जा पाएगी। जनाब, जंजीर से शरीर तो हमेशा बंधा रहे जाए, पर उसका दिल कैसे बांध पाएंगे? देखिए, मेरी राय तो यही रहेगी कि आप जिसे ये पहनाने वाले हैं ना, पहले उसे आप अपनी प्यार की डोर में बांध लें। प्यार नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरी उनसे शादी होने वाली थी, पर बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया और तब दिन रात अपने प्यार अपने मंगेतर का इंतजार करती हूँ। प्यार कितना मजा हो गया यार। ये प्यार जो शब्द है ना, जितना गया गया है ना, उतना कीमती नहीं है। और वैसे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि तुमने किसी से प्यार किया है। सही समझा कि नहीं? हमें किया नहीं, करता रुपए इंतहा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। कायम बांध पाए कि नहीं प्यार की डोर में? साथ है ना तुम्हारे?
तुम्हारा इंतजार करते करते थक चुकी थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो हम सबको बिना बताए हम सबको छोड़ के चली गई। दरअसल वो क्या है कि हम क्या है क्या नहीं उस सब के लिए वक्त नहीं है, बांध पाए कि नहीं, साथ है कि नहीं। उफ, चलो कोई बात नहीं, हम तो चले उस लड़की को जंजीर में बांध रहे, और ऐसा बांधेंगे कि वो कहीं नहीं जा पाएगी। और मौका मिला तो आपको एक दिन दिखा देंगे कि हमारे जंजीर में जो बन जाए वो कोई भी बेड़ी तोड़ के नहीं जा सकती, कोई भी। जरूर, मैं भी चाहूंगा कि किस्मत मौका दे कि मैं आपको बता सकूं कि जो लड़की मेरे प्यार में बंधी है वो दुनिया की हर जंजीर तोड़ के आ सकती है। दुआ करेंगे कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए। ये लीजिए। शुक्रिया। गाड़ी रोको ड्राइवर। आपने ठीक से सुना था संतोष जी, पुराने बाजार के पास बोला था ना वीर ने। हालांकि छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, वीर आपके काफी करीब है, अगर प्यार मोहब्बत से आप काम लेते तो उनसे ही ये लड़की का पता पूछ सकते थे और ये नौबत नहीं आती थी। वीर की वाली वीर वीर मियां, हमारी गाड़ी में क्या कर रहे हो? वीर कहाँ है? जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक ये गाड़ी आके रुकी। जो इस गाड़ी को चला रहे थे उन्होंने कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। उनके हाथ में कोई अंगूठी भी थी जिसको बार बार देख रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे घर वाले आएंगे तो उनको बता देना कि गाड़ी खराब है, तो यहाँ से इस गाड़ी को ले जाए। एक दरख्वास्त है आपसे, हमारी एक छोटी सी मदद कर पाएंगे आप? जी कही। वो क्या है ना, हमारी इस गाड़ी ने हमें धोखा दे दिया और हमें मंडप पे पहुंचना है बहुत जल्दी, और हमें यकीन है कि हमारे परिवार वाले हमें ढूंढते जरूर आएंगे। उन्हें अगर ये लेटर दे देंगे आप तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये लेटर तो मैं दे दूंगा, पर लगता है आपकी शादी में आपके घर वाले शामिल नहीं होंगे। पूछ सकता हूँ क्यों? लंबी कहानी है, इत्मीनान से सुनाएंगे हम आपको। बस ये दुआ कीजिए कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द हो जाए। शादी मुबारक हो आपको। एक बार फिर से शुक्रिया। क्या कर रहे हो आप दोनों? सुना नहीं शादी हमारी? और ये लेटर भी दिया था आप लोगों को देने के लिए। मैं चलूं? थैंक्स। अरे माँ को क्या लगा इतनी आसानी से पकड़ लेंगे हमें? नहीं पा रही, भानुवीर जी मुझे ढूंढ रहे होंगे। किरण बाला जल्दी से वरमाला लेकर आ। सरोज, अमृत। क्या हुआ? हाफ क्यों रहा है? वो अमृत कहाँ है? अमृत तो तेरे साथ गई थी ना, क्या हुआ? हाँ जी, कहाँ छोड़ आए आप उसे? वीर साहब बस आते होंगे, उन्हें क्या बताएंगे हम, क्या जवाब देंगे उन्हें? मैं अमृत क्या तो दान दिलवा रहा था, फिर मैं पंडित जी से बात करने लगा, फिर मैंने देखा कि अमृत भागने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, पर वो भीड़ में दिखी नहीं मुझे। भाग रही थी मतलब? आप ही की गलती है, आपने उसे ठीक से ढूंढा नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है मुहूर्त का वक्त होने वाला है, वीर साहब के आने से पहले पहले हमें अमृत को ढूंढ के घर वापस लाना होगा। मतलब पता नहीं वीर साहब क्या सोचेंगे। और रब रब रब, दोनों को वीर साहब की पड़ी भी है, कोई अमृत के बारे में नहीं सोच रहा। अरे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है,
बेचारी बच्ची कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? कोई बेचारी नहीं है आपकी बच्ची, हम सबको छोड़कर घर से भाग गई है। ऐसी बातें कर रही हो तुम? हाँ नमस्कार जी। पंडित जी आ गए, वीर जी भी आते ही होंगे। किसी तक मेरी आवाज भी नहीं जा पा रही है, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। बहुत देर हो चुकी है, क्या करूं मैं, कैसे पहुंचूंगा? अब तक तो वीर भी आ गए होंगे, मैं अपना किया वादा नहीं तोड़ सकती। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.